क्या देखिए 14 के पहले देश की दयनीय स्थिति, चारों तरफ भ्रष्टाचार, लूट खसूट। राजीव गांधी जी अपने समय बोलते थे, जब एक रुपया दिल्ली से भेजता हूँ तो 15 पैसा गांव में पहुँचता है। चारों तरफ बम फटते थे, देश का कोई व्यक्ति विदेश जाता था तो अपमान होता था। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद ऐसे करोड़ों लोगों का अपना पक्का मकान आया, करोड़ों लोगों का शौचालय, करोड़ों का गैस का कनेक्शन आया, करोड़ों बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान का कार्ड करोड़ों लोगों के पास, नल का कनेक्शन करो, और करोड़ों के घर में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बाद भी सभी घरों में अन्न पहुँचा। ये नहीं, दुनिया के अंदर भी आप देखेंगे, कतर के अंदर भी फांसी होने के बाद भी सेना के जवान को वापस लाने का किसी ने काम किया था। यूक्रेन रूस के युद्ध के समय अपने 35,000 से ऊपर बच्चों को सुरक्षित निकाल कर कोई लाया देश के अंदर, आदरणीय मोदी। आप सीरिया के अंदर 46 नर्सों का अपहरण हुआ, वह सुरक्षित है, आए ऐसे संगठन से छुड़वा कर देश में सुरक्षित, देश की खुशहाली भी, विदेश में हमारे बच्चे जो फंसते हैं उनका भी सम्मानपूर्वक वापसी, और देश के अंदर ट्रेनों का जाल, आज आप देखेंगे एयर कनेक्टिविटी है, सभी को सुविधा, और गरीब को भी सब्सिडी से लेकर सभी सुविधाएं, और बड़े लोग उच्च में आए तो उनको एयर कनेक्टिविटी, ट्रेनों का कनेक्टिविटी, रोडों का, यानी सभी लोग आकर अपना धंधा पानी करें, खुशहाल रहें। और उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले न बिजली आती थी, न 5 बजे के बाद कोई निकल सकता था गुंडागर्दी के डर के मारे, आज बिजली भी आती है, 18 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे गाँव में बिजली आती है। आज मैं कह सकता हूँ कि गंगा से बेटी और माँ 12 बजे रात को लखनऊ अपने पारिवारिक शादी में जा सकती, वापस आ सकती, अपने को सुरक्षित महसूस करती, डर उसके मन से निकल चुका है, भय निकल चुका है। आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में विकास के दम पर हम चुनाव जीतने में, एक हाथ में विकासवाद का एजेंडा, एक हाथ में राष्ट्रवाद का एजेंडा, सपा बसपा कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। उत्तर प्रदेशवासी की एसएससी, जनता जनार्दन के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम चुनाव जीते। अंग्रेजी 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनडीए बहुत कमजोर हो चुकी है तीनों चुनाव में, क्या कहेंगे? कल उनका गढ़ था, उस जिले तो उनके गढ़ थे, फिर भी हम कमल हमेशा खिलाते हैं। पिछले बार हम फिरोजाबाद जीते, इस बार जीते बदामी, पिछले बार जीते इस बार जीतूंगा, संभल बीच में एक बार नहीं जीते लेकिन इस बार जीत जाऊंगा। तो उधर की भी सभी सीटें हम जीत रहे हैं, मैनपुरी तक जीत रहे हैं। तो आने वाला समय में इन लोगों को दूसरे परिवार के यादव इसलिए नहीं, दूसरे परिवार के यादव लड़ाएंगे तो हो सकता है कुछ ताकत मिले, और बिल्कुल वंशवाद पर उतारू हो चुके हैं, जातिवाद वंशवाद की पार्टियों को जनता जनार्दन नकार, जनता जनार्दन सेवा का मौका देना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी राजनीति का राजनीति व्यापार नहीं है, मिशन गरीबों की सेवा करनी। जब जब हम सरकार बनते गरीबों की, इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी जी। जब चुनाव चल रहा है, जब चुनाव चल रहा है, मायावती